ब्रेकअप करने का सबसे आसान तरीका। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। कई लोग चाहते हैं कि ब्रेकअप तो करें लेकिन सामने वाले को दुख ना हो, कोई दिक्कत ना हो, बुरा ना लगे, सब कुछ धीरे धीरे आराम से ख़त्म हो जाए। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। ये वीडियो सभी के लिए नहीं है, जो रिश्ते में सबको सुनने की आवश्यकता नहीं, जिन लोगों को रिश्ता तोड़ना है, ब्रेकअप करना है, उनके लिए बहुत ही खास। क्योंकि कई बार कुछ लोग होते हैं जो सामने वाले को ना नहीं बोल सकते, अपनी फीलिंग्स को दबाए रखते हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती है। क्योंकि जब फीलिंग्स अंदर ही अंदर रहती है तो हमें खा जाती है, और सामने तो रिश्ता जो हमें पसंद नहीं वो तो चल ही रहा है, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, दिक्कतें पैदा होना शुरू हो जाती है। तो ब्रेकअप करने का आसान तरीका देखिए, जब भी आपको ब्रेकअप करना है, आपको लगे कि अब रिश्ते में मज़ा नहीं है, कुछ है नहीं, तो उनको एक शांत जगह पे ले जाइए, आराम से बैठिए, सब कुछ कहिए कि आपके साथ बहुत ही अच्छा लगा, आप अच्छे इंसान हैं, रिश्ता बहुत ही अच्छा, लेकिन परिस्थिति और मैं आपके लायक नहीं, या तो फिर अभी संजोग ऐसे पैदा हो रहे कि हमें अलग हो जाना चाहिए ताकि हम दोनों ही खुश रहे। उनको रोना है, कुछ आपको मारना है, कुछ करना है, मारना है इन द सेंस धीरे धीरे ही सही, ऐसा नहीं कि कुछ चाकू वाकू मारना है, नहीं, रोना है, जो भी करना है उनको करने दीजिए, उनका गुस्सा शांत होने दीजिए, फीलिंग्स को शांत होने, फिर उनको समझाइए कि देखिए मैं ब्रेकअप करके हमारे ये दोनों की सोच को नहीं मिल पा, तो इसके वजह से हमें ब्रेकअप करना पड़ रहा है, ब्रेकअप करके मैं दोनों की लाइफ अच्छी करने जा रहा हूँ, आपको भी आसान रहेगा, मुझे भी आसान रहेगा, तो अगर हम ब्रेकअप कर लेते हैं तो इससे हम दोनों का फ़ायदा है। क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी आप गिनवा सकते हैं अगर आपकी नज़र में कोई हो तो। ये सबसे आसान तरीका है, आराम से जाके आराम से बोल दीजिए, गुस्से में ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जाइए, आराम से बोलिए, ये बहुत ही खास रहेगा। और ऐसा कह देने से उनको दुख तो होगा, सभी को होगा, गुस्सा भी आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो परिस्थिति को भी सोच कर एक्सेप्ट कर लेना है, उनको सब कुछ करने देना है, फिर धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि हम दोस्तों रहेंगे लेकिन हमें अभी ब्रेकअप करना होगा, कारण दे सकते हैं आप, देखिए ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है। अगर आपने माइंडसेट बना ही लिया है ब्रेकअप का तो आपको फिर भी कहना है कि वो कहेंगे कि नहीं अभी ये गलती नहीं होगी ये वो, तो आपको कहना है कि नहीं गलती बार बार हो रही है तो इससे हम दोनों की लाइफ को दिक्कत हो रही है, तो दिक्कत ना हो उसके लिए हमें ब्रेकअप करना ही उचित रहेगा। इस तरह से एकदम आसान तरीके से आप ब्रेकअप कर सकते हैं, सामने वाले को बुरा तो लगेगा लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आप उस वे में कहेंगे तो। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका ब्रेकअप करने का तरीका क्या ख्याल है उसके बारे में। तो मेरे प्यार प्यारे दोस्तों फ्रेंड, वीडियो को देख रहे हैं सारे जी बी एफ राजा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।